अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। और इससे पहले मैंने कभी इस तरह किसी भी जगह जाके लेक्चर नहीं दिया है और शौक बहुत था। सो इट्स माय फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग इट। एंड जिन लोगों को मेरा नहीं पता, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। माई नेम इज़ मुनीब अहमद भट्ट एंड आई एम एन एक्टर बाई प्रोफेशन। इट्स बीन 7 ईयर्स आई एम इन दिस ड्रामा इंडस्ट्री वर्किंग एज एन एक्टर। ओके, आप लोग कर रहे हैं सब लोग CSS, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। अच्छा, दो पार्ट्स में मैंने इस लेक्चर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला पार्ट जो होगा वो मैं आपको, जिसके अंदर मैं आपको एज अ मोटिवेशनल स्टोरी, आपको एक अपनी छोटी सी जर्नी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह, क्योंकि जैसे ताहा भाई ने दो बातें की, ताहा भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाली बात विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, येस इससे कुछ हद तक फ़र्क पड़ता है लेकिन बहुत हद तक फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात ये कि ताहा भाई ने कंसिस्टेंसी। सो शुरू करते हैं। अच्छा, ये बात है 2009 की, व्हेन आई वाज लाइक 16 to 17 ईयर्स ओल्ड। मेरा बचपन से, हमेशा से मेरा ये ख्वाब था कि मैंने जो है वो अपने मुल्क को सर्व करना है और कोई ऐसा काम करना है जिससे मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ बेटर कर सकूं। सो शुरू में मैंने ये सोचा कि अच्छा जी, मैं आर्मी ज्वाइन करता हूँ। फिर आर्मी मैंने ज्वाइन करने का सोचा, फिर उसमें ये कि ट्रेनिंग होती है सेशन, फिर वो माइंड, क्योंकि जब 15-16 साल का बच्चा होता है तो होता क्या है, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि करियर काउंसलिंग नहीं है। आपको करना क्या है आपको यही नहीं पता, तो मोस्टली जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं वो बेचारे कन्फ्यूज ही होते हैं। आधे लोग जो है वो सोच रहे होते हैं अच्छा मैं ये करूँगा, फिर एकदम स्विच कर जाते हैं, ये जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। वरना बाहर मुल्कों में क्या होता है, करियर काउंसलिंग होती है, तो आपको पता होता है आपका ये गोल है, फिर आप उसी डायरेक्शन में रन करते हैं। जब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉर्स होता है, हॉर्स को पता होता है कि यार वो मेरा टारगेट है, साइड में आपने देखा होगा उसके ऐसे करके एक ब्लैक होता है, उसको ना इधर नजर आता है ना उसको इधर नजर आता है, उसको सामने अपना टारगेट नजर आता है तो वो तेज दौड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कुछ है नहीं कि करियर काउंसलिंग हो, तो मेरे साथ भी यही इशू मैंने फेस किया, करियर काउंसलिंग नहीं थी। तो पहले सोचा कि यार मैं आर्मी ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद मैंने सोचा नहीं मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा। अच्छा, पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है तो उस लेवल पे जाके ज्वाइन करनी है कि मैं कुछ थानेदार ना लगा हुआ हूँ, जाके चोर के पीछे भाग रहा हूँ सुजुकी के अंदर, वो वाली पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करनी। मैंने जाना है जी एक ऑफिस लेवल के ऊपर, एक कमिश्नर ऑफिसर बनना है। तो उसके लिए CSS करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ी सी अपनी रिसर्च की कि CSS कैसे करना है, और आप लोगों को ये बात सुन के हैरानगी होगी कि मैंने काफ़ी हद तक, मेरा ये प्लान हो चुका था कि मैं CSS करूँगा और CSS करके फिर जहाँ भी मैं लगना चाहूँ। उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा कोर्स, मुझे मेरा एक दोस्त था वो उस वक्त CSS कर रहा था, तो उसके पास मैं जाके बैठा, उसने मुझे किताबें दिखाई, मैं वहीं से उठ गया। मैंने सोचा मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया भाई ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप लोग ये मत डिसाइड कीजिएगा, मेरी गलती थी आप मत कीजिएगा। क्योंकि उस वक्त एक टैबू था, टैबू मतलब ये कि लोगों के दिमाग में एक इमेज था कि यार अच्छा CSS करना है वो तो इतना मुश्किल है। होता क्या था कि आप किसी, अभी भी आप भी ये चीज़ फेस कर रहे होगे, आप अभी जाओगे आप किसी को बताओगे यार आई एम डूइंग CSS, वो आपको बोलेगा, उसके माइंड में इमेज आपका क्या होगा, चश्मा इतना मोटा, आंखें बाहर, दांत बाहर, चीक्स अंदर, उसके माइंड में आपका ये इमेज होगा कि यार ये बच्चा CSS कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सही डायरेक्शन और सही एजुकेशन और सही गाइडेंस हो तो आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम आई वाज लैकिंग दैट थिंग, मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी, मेरे पास वही सारे दोस्त थे मेरे मोहल्ले के जो मुझे बोलते अरे CSS। खैर बहरहाल मैं अपने करियर काउंसलिंग मेरी नहीं हुई भी थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था क्या करूँ, CSS में जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि इंटरमीडिएट कर चुका था, रिजल्ट आना बाकी था। फर्स्ट ईयर में मेरी एक सप्ली आ चुकी थी और सेकंड ईयर में मेरी जो परसेंटेज थी उसका मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं सारे पेपर क्लियर करूँगा कि नहीं। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि करियर काउंसलिंग नहीं थी, मुझे मैट्रिक में मेरा A+ ग्रेड आया था गाइस, 88% थी मेरी मैट्रिक के अंदर, मैट्रिकुलेशन में, और 88% वाले बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फर्स्ट ईयर में जाके एक सप्ली लेकर आएगा। ये बात मैं बताने से कभी किसी को शर्माता नहीं हूँ, यूजुअली लोग अपने फेलियर्स छुपाते हैं, लेकिन मुझे लगता है फेलियर्स को फेस करने से जो है वो इंसान की जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना वो स्ट्रांग होती है। सो केमिस्ट्री का पेपर जो था वो मेरा फर्स्ट ईयर में रह गया। उसका रीज़न ये था कि मुझे कॉमर्स लेनी थी और मेरे जो खाला के बेटे हैं उन्होंने मेरे फादर को बोला कि नहीं इंजीनियरिंग करा दो। तो उस वक्त तक ना तारे ज़मीन पर आई हुई थी ना PK आई हुई थी तो मेरे फादर ने कहा नहीं भाई इंजीनियरिंग करो, और इंजीनियरिंग के अंदर स्कोप है, कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है। तो मेरी विल के अगेंस्ट जाके मैंने इंजीनियरिंग ली और मेरा केमिस्ट्री का पेपर रह गया। खैर सेकंड ईयर करने के बाद मैं यही सोचा था कि यार अब पेपर क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, मेरे तो पेपर ही नहीं क्लियर, तो मैं CSS का सोच रहा हूँ।
मतलब मेरे पास बाइक है और मैंने जाना है खुंजराब पास, भाई अपने बंदा चीज़ें देख के डिसाइड करता है। खैर उसके बाद फिर एक दिन मैं, एक मेरा फ्रेंड था एरिया में, उसने मुझे बोला कि यार एक जगह शूट हो रही है, शूटिंग चल रही है, तो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। यार मैंने बोला मैं क्या करूँगा, कह रहे यार तुम्हारा फेस बड़ा अच्छा है तुम ये अच्छा हो, होता क्या है यूजली कि मोस्टली हर फील्ड में ना ख्वाब दिखाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ख्वाब बिकते हैं। आप किसी को हाई होप्स दोगे ना कि यार ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे, ये वो आपकी बातों में आ जाएगा। मैंने भी सोचा कि अच्छा चलो ठीक है यार, इतनी तारीफ़ कर रहा है, बाल तेरे अच्छे हैं यार, तेरा फेस बड़ा अच्छा है। फिर मैं घर जा, जब इससे पहले मैंने कभी अपने आप को इस तरह शीशे में नहीं देखा, उसकी बातें सुनने के बाद घर जाके मुझे लग रहा था मैं ही शाहरुख खान हूँ लिटरली। अगले दिन सुबह 7 बजे का मुझे कॉल टाइम मिल गया, जी सुबह 7 बजे आपने आना है। मैं जब सुबह 7 बजे गया तो 6 बसें खड़ी हुई, उसमें लड़के भर रहे। बोला भाई मैं शाहरुख खान हूँ, मैं कहाँ हूँ? उसने बोला भाई बाकी 500 लड़के भी शाहरुख खान हैं। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो जो मेरा दोस्त था वो जूनियर आर्टिस्ट, मैं उनको जूनियर एक्टर्स कहता हूँ, बहुत सारे हमारे मीडिया की फ्रेटर्निटी के जो मेंबर्स हैं वो उनको एक्स्ट्रास कहते हैं, बट इट्स अ वेरी रिडिक्यूलिंग वर्ड बिकॉज ये चीज़ मैंने फेस की हुई है कि जब मैं बैठा होता था मुझे बोलता ना यार ये एक्स्ट्रास को यहाँ से उठा के ना वहाँ कर दो, तो यहाँ पे दुखता था कि आपको कोई एक्स्ट्रा कह रहा है। एक्स्ट्रा बड़ा बुरा वर्ड है, इट्स अ वेरी बैड टर्म टू यूज़ फॉर एनीवन। जूनियर एक्टर, तो वो जूनियर एक्टर्स का कोऑर्डिनेटर था जिसका काम था 500 बच्चों को बस में ठूस के लेकर आना है, जिसको उन्होंने पीछे चलता हुआ बनाना है, जो पीछे चल रहे होते हैं आपने देखा होगा यूजली कमर्शियल्स में या फिल्म्स के अंदर, जो पीछे लोग हीरो अगर हीरोइन के साथ कोई एक रोमांटिक सीन करे तो पीछे एक बंदा बन कबाब खा रहा होता है, देखा है ना, वो वाला कैरेक्टर था उस तरह का। मुझे बन कबाब नहीं खाना था, मुझे बेसिकली उसके अंदर बास्केटबॉल खेलनी थी। अच्छा ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2010 तकरीबन 10-11 लग चुका था। तो मेरा जो स्टार्ट था वो सुबह के 9 बजे मई के अंदर, मई की गर्मी में, कराची में मई में कितनी गर्मी होती है, उसमें सुबह के 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैंने सैंडो पहन के बास्केटबॉल खेली थी। एक मेरे बहुत से दोस्त हैं एक्टर, अब तो खैर बिल्कुल ही भाइयों की तरह एक्टर थे, अभी भी उसको मैं बताता हूँ ये बात तो वो बड़ा इस पर सरप्राइज होता है, अहमद अली जो कि परीजात का कैरेक्टर जिन्होंने अभी किया था, वेरी फेमस एक्टर, इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड नाउ, और शहरोज सब्जारी जो बहरोज सजवारी साहब के बेटे हैं, ये दोनों उसके अंदर लड़के लीड पे थे और मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पीछे सैंडो पहन के बास्केटबॉल खेल रहा था। खैर बहरहाल तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अच्छा यार अब मुझे इस फील्ड को ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें हमारे काम में क्या होता है कि इस काम में जो है वो आप जब टीवी पे आ रहे होते हो तो यूजुअली लोग जब आपको देखते हैं आपको बगैर टीवी के तो बड़ा आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ पिक्चर्स लेना चाहते हैं, और ये चीज़ जो है वो एक एक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि इंस्पायर करती है कि अच्छा काम करने के लिए कि यार लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं। अच्छा तो मैंने डिसाइड किया कि यार आई हैव टू डू दिस रादर देन डूइंग सीएसएस तो बड़ा मुश्किल है भैया, इसमें आ जाते हैं, इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं होता। आप गए सुबह, आपने बाल वाल बनाए और बस आपने 3-4 डायलॉग्स बोले। ये मेरी सोच थी उस वक्त 2010 में कि भाई ऐसे काम हो जाएगा और मैं जो है वो परिजात बन जाऊंगा एक दिन, और मेरे पास जो है वो लैंड क्रूजर होगी और बस खत्म। बड़े बड़े ख्वाब देख लिए, अब ख्वाबों को अचीव कैसे करना है, यहाँ से हम और आप रिलेट करते हैं, ख्वाब अचीव कैसे करना है, ख्वाब इंसान देखना उसका हक है, और जितने बड़े ख्वाब आप देखोगे आपको उतना ही आपको मोटिवेशन चाहिए है उनको अचीव करने के लिए। इसीलिए ख्वाब हमेशा बड़े देखो, सोच हमेशा ऊँची रखो। मैंने सोच लिया अच्छा जी अब मैंने जो है वो इस फील्ड को प्रॉपर ज्वाइन करना है। दूर दूर तक खानदान में, मतलब कहते हैं ना 500-500 किलोमीटर दूर अगर गांव में कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी, वो 500-500 किलोमीटर दूर तक मेरे खानदान में कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड नहीं था। सब लोग थे बिजनेसमैन, मेरे फादर बिजनेसमैन, मेरे अंकल बिजनेसमैन, सब लोग अपना कारोबार करते थे। अब जब आप किसी के पास, अब फॉर एग्जांपल मेरे जो ताया है उनके पास हमने सबको बता दिया कि जी अब मुझे तो एक्टर बनना है, अब मेरे लिए कुछ करो। अब क्या होता है कि जब आप अपने बड़ों को बोलते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके लिए अपनी सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है आप अपने फादर को बोलोगे तो जितनी रिसोर्सेज उनके पास होंगी वो अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे जो अंकल थे उनकी जो रिसोर्सेज थी वो इस रिसोर्स जो मीडिया की फील्ड थी उससे बहुत दूर थी, लेकिन उनको लगता था कि बहुत करीब है। फॉर एग्जाम्पल एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि बेटा मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे मेरे पास एक लेडी आई हुई है जो कि शोबिज से रिलेटेड है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं चला गया एक्साइटेड होके।
तो बाद में जब मैं उनसे मिला और मुझे रियलाइज हुआ, उनके साथ मेरी दो सिटिंग्स हुई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो एक म्यूजिकल शो में कंपेयरिंग करती हैं खातून। मैंने बोला यार ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मैं तीन दफ़ा इनसे मिला, उसके बाद लोगों से मिलता गया, कोई बात नहीं बन रही थी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अब अल्लाह आई डोंट नो इफ ही इज अलाइव और नॉट, फुरकान हैदर साहब, वेरी फेमस, उमर शरीफ के सारे स्टेज प्लेस जो है वो डायरेक्ट करते थे। तो आई वॉज इन सर्च ऑफ अ प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट माई पोटेंशियल, वॉज इन गेटिंग एनी एंड मूविंग अराउंड हेयर एंड देयर। अच्छा, उस दौरान मैंने एक चीज़ जो समझी और वो वक्त ने मुझे समझाई, वो ये थी कि यार तालीम किसी भी फील्ड में अगर आप जाओ, किसी भी फील्ड में एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू गाइज मस्ट हैव। एजुकेशन के बगैर आप कुछ भी किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते। सो मैंने उस टाइम पे एडमिशन लिया एकरा यूनिवर्सिटी में, नंबर वन यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि क्योंकि भाई एकरा यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बच्चों को एडमिशन दे देती थी और उसके बाद देख उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी यार कि अगर चलो ठीक है आपके इंटर में मार्क्स नहीं आया तो इट्स ओके, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर आप चल गए तो चल गए, नहीं चले तो घर चले जाते थे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। अब मेरे पास जो लास्ट मेरी सनत थी, सनत जो मेरे पास लास्ट मेरा सर्टिफिकेट था उस पर थे 48% और एक कौन सा पेपर रह गया, केमिस्ट्री का पेपर रह गया। अब उसको ले के शर्मिंदगी से मैं यूनिवर्सिटी में गया, लेकिन उन्होंने बड़े वसी पैमाने में जो है वो बच्चों को लिया, अपनी बाहें खोल के हमें समेटा अपने अंदर, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर दाखला मेरा हो गया। इस सूरत में कि अगर मेरे सेकंड ईयर के रिजल्ट के अंदर मेरे सारे पेपर क्लियर हुए तो एडमिशन सस्टेन होगा, वरना भाई सुजुकी पकड़ो और घर निकल जाओ। खैर बारह अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए और मेरी तकरीबन एक मतलब 57-58% आई, 55 उसकी मिनिमम थी, 57 मेरी आई, 2% से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। खैर मेरा एडमिशन जो है वो एकरा यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया फाइनली, एंड आई स्टार्टेड स्टडीइंग मीडिया साइंसेज इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इनिशियली फिल्म एंड टीवी वाज माय कंसंट्रेशन, बट आई स्विच टू एडवर्टाइजिंग बिकॉज एट दैट टाइम आई थॉट कि हाँ यार फिल्म एंड टीवी में पाकिस्तान में देयर इज नो स्कोप कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज, पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की ज़्यादा स्कोप है। सो मैंने अपना कॉन्सेंट्रेशन स्विच किया। ये भी उस बात से रिलेट करता है, करियर काउंसलिंग नहीं थी, करियर काउंसलिंग वाला कोई दोस्त नहीं था जो बड़ा जो समझा सकता कि बेटा नहीं एक फिल्म एंड टीवी लिया है तो उसी में चलता रहे, नहीं, स्विचिंग हुई, एडवर्टाइजमेंट में चला गया, एड्स बनाना पढ़ना शुरू हो गया। ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो रही थी मीडिया साइंसेज एडवर्टाइजिंग के अंदर, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तालीम मेरी साथ साथ चल रही थी, उसके साथ साथ मेरी स्ट्रगल चल रही थी टू गेट सम वर्क इन शोबिज इंडस्ट्री, कोई ड्रामा मिल जाए, कुछ भी चीज़ मुझे मिल जाए कि मैं करूँ। और ऑडिशंस का एक मतलब कि आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। अच्छा आप लोग प्रोडक्शन का नाम तो नहीं आपको पता होगा, सिक्स सिग्मा एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, पता किसी ने नाम सुना है सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट का? अच्छा सब ड्रामे देखते हो, एंड तक देखते हो ना जहाँ तक क्रेडिट आते हैं। अच्छा सिक्स सिग्मा एक बहुत बड़ा ड्रामा है, उसका एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसका एक बहुत तकरीबन आज से 10 साल पहले बहुत फेमस ड्रामा आया था महमूदाबाद की मलकाएं, याद है आप लोगों को? अच्छा तुम लोगों को भी याद है, किसने हाँ बोला था? अच्छा खैर बहरहाल महमूदाबाद की मलकाएं एक ड्रामा आया था, उसके तकरीबन 250-300 एपिसोड्स थे उसके, इट वाज अ सोप, हाफ आवर का उसका स्लॉट होता था। तो उस सोप के उसमें क्या था कि उसमें तकरीबन मिनिमम आई गेस के 100-150 एक्टर्स ने तो पार्टिसिपेट किया ही होगा उसके अंदर, क्योंकि वो इतना बड़ा ड्रामा था। उसमें अब होता क्या था कि उनको छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए अच्छे एक्टर्स चाहिए होते थे, क्योंकि जब ड्रामा चल रहा होता है तो प्रोड्यूसर का ये होता है कि यार मेरा जो ये सीन है इसके अंदर अगर एक मेरे हीरो का दोस्त है तो वो मैं अच्छा एक्टर कास्ट करूं ताकि मेरा सीन अच्छा रहे। उसमें वो क्या करते थे कि ऑडिशंस कॉल करते थे। अब ऑडिशंस में से जो अच्छे एक्टर्स निकल के आते थे उनको वो छोटे छोटे रोल्स के अंदर फिक्स करते थे। अब ऑडिशन कॉल होता था तो अब हमने क्या किया पता सर, जो स्ट्रगलर्स थे ना, अब वो होता क्या था कि आप जितने भी स्ट्रगलर्स होते थे तो वो जब भी हमने कहीं ऑडिशन पर जाना था तो सारी वही शक्लें नजर आती थी। अच्छा तुम भी आए हुए हो, अच्छा 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 उमेर भी आया, अरे 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 तुम्हारा तुम वहाँ पे हो गया तो नहीं हुआ, सारी वही शक्लें आपको नजर आती थी, वही 50 लड़का आपको नजर आता था, सारा स्ट्रगलर। तो वो अब हमने क्या किया पता, एक दूसरे के नंबर्स दिए थे सब ने, सब क्या करते थे कि यार कहीं पर ऑडिशन हो रहा है तो बस हमें बता देना, हम पहुँच जाएंगे बस भर के। भाई मैं पहुँच गया वहाँ पर एक दिन ऑडिशन, यही महमूदाबाद की मलकाएं में, तो आई गॉट सेलेक्टेड। मुझे एक बहुत छोटा एक हीरो के दोस्त
के कजन के दोस्त का कैरेक्टर मुझे मिला, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। तो वो कैरेक्टर मुझे उन्होंने मुझे दिया, उसके तकरीबन कोई आप समझें कि 8 to 10 सीन्स उसके होंगे। पैसे भी उसके अंदर उन्होंने मुझे 1500 रुपीज पर डे दिए, जो कि समझे कि मेकअप आर्टिस्ट के भी जो जितने पैसे होते हैं ना उससे भी इससे ज़्यादा होते हैं, उससे भी कम। मेकअप आर्टिस्ट भी मुझसे ज़्यादा कमा रहा था उसके अंदर। खैर बहरहाल मेरे लिए एट दैट टाइम मनी वॉजेंट द प्रायोरिटी, पैसा मेरे लिए कोई प्रायोरिटी था ही नहीं। क्योंकि अच्छा यहाँ पे हम इसको स्टॉप लगा के एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ, पैसा जो है अगर आप अपने अर्ली डेज ऑफ करियर में हैं, आई नो यार हर किसी बच्चे की ज़रूरियात होती है, किसी को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, किसी को कहीं पैसे देने होते हैं, किसी को पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता भाई। लेकिन अर्ली डेज ऑफ योर करियर में अगर आपने पैसे को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? कि जब आप पैसे के पीछे भाग रहे होगे, वो पीके के अंदर बड़ी अच्छी ये लाइन है और बड़ी प्रैक्टिकल लाइन है कि यार पैसे के पीछे नहीं भागो, काबिलियत के पीछे भागो, पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आता है। और ये फैक्चुअल बात है, ये आप किसी भी फील्ड में ले लो। मैं तो अपनी मिसाल आपको दूंगा कि आई वॉजंट रनिंग आफ्टर मनी। अगर कोई मुझे काम कहीं से मिलता था तो मैं उससे पहले ये नहीं पूछता था कि यार इसमें मुझे कितने पैसे मिलेंगे, नहीं, मेरा काम क्या है, सर मेरे पास इसमें करने के लिए कुछ है। आई वॉज सो पैशनेट अबाउट माई वर्क कि मैं उनसे पूछा था सर मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। खैर बहरहाल महमूदाबाद की मलकाएं मैंने किया, उसके बाद भी ऑडिशंस मैं दे ही रहा था, कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा था। एक कमर्शियल मैं करने के लिए गया एक एजेंसी के पास, एजेंसी ने मुझे बोला कि यार आप तो बन ही नहीं सकते एक्टर। तो मैंने पूछा सर क्यों, क्या बुराई है मुझ में? क्या खामी है? तो उसने बोला यार तुम बहुत मोटे हो। मैंने कहा सर ये तो मेरी सेहत है, खाते पीते हम। तो कह रहे हैं भाई आप इतने मोटे हो, आपका फेस इतना बल्की है, आप मीडिया में आ ही नहीं सकते। आप तो सबसे पहले जाओ और अपने आप को शेप में तो लाओ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक जंग में जा रहे हो तो आप अपनी तैयारी तो करके आओ, अपने साथ M16 तो रखो, 2 mags तो रखो, ये तो तुम खाली आ जाओगे तुम तो मारे जाओगे। मैं बड़ा उससे मुझे हिट हुई वो बात, मैंने यार बात तो सही कह रहे। तो उसके बाद मैं घर नहीं गया डायरेक्ट, मैं गया जिम क्लब, मैंने ज्वाइन किया और मैं जिम करता हुआ आया। 3 महीने मैंने टाइम लिया जिसमें मैं 3 दफ़ा जिम में बेहोश हुआ क्योंकि मैंने कुछ खाया हुआ नहीं होता था और मैं बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहा था। 3 महीने बाद जब मैं दोबारा उस एजेंसी में गया काम मांगने के लिए तो उन्होंने बोला कि हम तो आपसे पहली दफ़ा मिले, आपसे हम पहले कब मिले। फिर मैंने उनको याद कराया कि सर याद करें 3 महीने पहले एक शाम मैं आपके पास आया था, आपने मुझे कहा था। एंड ही वॉज सो सरप्राइज टू सी मी कि यार आपने 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की। मैंने कहा सर यहाँ पे जब चीज़ अटक जाए ना आके, कोई भी चीज़, और ये आपके उससे भी रिलेटेड है कि जब आपके दिमाग में कोई चीज़ अटक जाए आके यार ये मैंने करना है, तो फिर आप वो कर लेते हो। और आज जब आप अच्छी खलूस नीयत से किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए रन कर रहे हो, बिलीव यू मी कि अल्लाह आपकी हमेशा हेल्प करता है। और आपको ऐसी जगह से अल्लाह हेल्प करता है कि आपका जहाँ पे सोचना बंद हो जाता है और आपकी वहाँ से जो है वो हेल्प आपकी आना शुरू होती है। सो ये वाला फैक्टर हमेशा याद रखो कि नीयत साफ़ रखो कि यार मेरी नीयत अगर साफ़ होगी ना इस काम में तो अल्लाह आपको हेल्प करेगा ही करेगा। खैर बहरहाल उस एजेंसी को फिर उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो शूट किया, उन्होंने मुझसे कमर्शियल करवाया, उसके उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए। उस पूरे कमर्शियल के सुबह 6 बजे से लेके शाम के तकरीबन 7:30-8 बजे पैकअप हुआ, फ्रेयर हॉल में उसकी शूट थी, टोटल 2000 रुपये मिले, वो भी 3 महीने के बाद। 3 महीने तक मैं उनसे मिलने जाता रहा, मैंने उनसे जिक्र भी नहीं किया कि सर पैसे सर पैसे। एक दिन मैं गया मैंने उनसे पूछा सर कमर्शियल के कुछ पैसे वैसे होते हैं ऐसे ही? उन्होंने बोला हाँ है ना। मेरा सर मेरे होंगे? कह रहे हाँ है। मेरा तो कब? अभी लो 1000 रुपये उन्होंने जेब से निकाल ले। उसके बोला अली 1000-1500 पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनके पास वो लेने ले गया हूँ, मैंने उनके घर में दीवार पेंट की है उसकी दिहाड़ी लेने के लिए गया हूँ। 1000 रुपये उसने जेब से निकाल ले, ये लो पेमेंट। मैं वो 2000 रुपये मैंने लिए और वो लेके मैं आ गया। अच्छा ये मेरी पहली ज़िंदगी की इनकम थी जो कि मैंने अपनी मीडिया की कमाई से कमाई थी। और ये बात वैसे यूजुअली करनी नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों के पास इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस वजह से नहीं ये दिखावे के लिए, लेकिन ये कि इस जो ये काम मैंने किया ना इसको आप भी कीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा करेगा। वो किया क्या मैंने, वो 2000 रुपये मैंने खर्च नहीं किए। उन 2000 रुपये से लेके मैंने कुछ, मेरे अंकल ने मुझसे कुछ गोश्त खरीदवाया और सदका जारिया करवा दिया, जो चील का वो खाना वाना खिला देते हैं वो हमने खिला दिया। मैं यूँ हाथ में ही रह गया कि यार मेरी पहली कमाई थी, मैं इसको कुछ करता, कुछ कपड़े लेता, कुछ करता। मेरे ताया ने बोला यार नहीं इसको सदका कर दो, अल्लाह ताला की राह में कर दो, अल्लाह से कारोबार शुरू कर दो, ये तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। उस वक्त तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आई,
आई वॉज लाइक 20-21 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, यंग ब्लड, पैसे आए जेब में, भाई सीव्यू जाना है यार, दोस्तों वोस्तों को लेके घूमेंगे, समोसे पकौड़े खाएंगे, क्या यार चीलों को खिला दी 2000 रुपये मेरे यार, इतनी 3 महीने बाद तो मुझे मिले थे, मेरे दिमाग में ये सोच चल रही थी। बट आप देखें अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक मेरा एक क्लास फेलो मेरे पास आया, उस कह रहा यार मेरे अब्बा से मिल ले। मैं यार कोई लड़की आके ये बोले कि मेरे अब्बा से मिल ले तो समझ में आता है, भाई तू आके क्यों बोल कि यार मेरा क्लास फेलो मेरे अब्बा से मिल ले। कह रहे नहीं यार वो मेरे अब्बू को ना मैंने तुम्हारा बताया है, और मेरा बड़ा अच्छा क्लास फेलो था, उसकी भी अभी स्टोरी बताऊंगा वो आज क्या करता है मेरे साथ, आज वो मेरा जो है वो, खैर ये बात अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो वो क्लास फेलो मेरे पास आया और उसने बोला यार मेरे फादर से मिल ले, वो तुझसे मिलना चाह रहे हैं। मैं अच्छा यार मिल लेता हूँ। मैं गया उसके फादर से मिलने, उसके फादर 2012 में एक बहुत बड़ी कंपनी के मार्केटिंग के पाकिस्तान के रीजनल हेड थे, एंड ही वॉज सिटिंग एट अ वेरी गुड पोस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, एंड ही हैड अ वेरी गुड कनेक्शन एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा, मुझे वजी ने बताया कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो बड़ा 3-4 साल से, कुछ तुम्हारा बन नहीं पा रहा, तुम्हें एक्टिंग करनी है। मैं जी अंकल मुझे तो करनी है। कह रहे यार तो तुम मुझे पहले बताते। मैं पहले कैसे बताऊँ, अभी तो कल उसने मुझे बोला है कि मेरे बाप से मिल लो। तो खैर बहरहाल उन्होंने बोला बेटा यू डोंट वरी अबाउट इट, जैसे मेरे लिए मेरा बच्चा है ना वैसे ही मेरे लिए तुम हो। और बिलीव यू मी, इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना वो लोग कभी नहीं भूलो जो आपके साथ बुरे वक्त में खड़े हुए हैं, क्योंकि वो आपके साथ बगैर किसी मफाद के खड़े हुए हैं। आज अगर मेरे साथ कोई खड़ा होगा किसी भी मेरे इशू के अंदर, तो मेरे दिल में ख्याल आएगा कि हाँ यार ठीक है, इसका मेरे साथ कोई म्यूचुअल बेनिफिशियरी सिचुएशन हो सकती है, ही वॉन्ट कि मैं किसी इवेंट में, कोई भी एक म्यूचुअल उसका फ़ायदा मेरे साथ हो सकता है, इसलिए वो मेरे साथ क्लोज हो रहा है। लेकिन उस टाइम पर जब आप कुछ नहीं होते, उस टाइम पे जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं ना वो बिल्कुल ऑनेस्ट सोल्स होते हैं, तो उनकी हमेशा लाइफ में कदर करना मेरे दोस्तों। अंकल ने मुझे बोला बेटा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और वो शख्स उनका नाम है सईद शाह, वो मेरे साथ ऐसे खड़े हुए कि जैसे मेरे रियल फादर मेरे साथ खड़े होते, इस तरह अंकल वो मेरे साथ खड़े हुए। हर इतवार को या बीच में जब उनके पास टाइम होता था, ही यूज्ड टू टुक मी टू द प्रोडक्शन हाउस इन हिज ओन कार, अपनी गाड़ी में, अपना ड्राइवर उनकी गाड़ी में, मैं पीछे बैठ के, उनकी कंपनी से मिली हुई थी, हम जाते थे प्रोडक्शन हाउसेज में, अंकल मुझे लेके जाते थे कि यार ये मेरा भांजा है। अच्छा अंकल जो थे वो सैयद शाह थे, मैं तो था बट, तो वो अब वो बोलते थे किसी को कि ये मेरा भतीजा, बोलते थे यार आप तो सैयद शाह हैं, ये तो पंजाबी हैं, आप तो सिंधी हैं। कहते थे नहीं 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 मेरा भांजा है, हमने बहन पंजाबियों में दी हुई है। तो इस तरह वो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, कहते थे तुम मुझे ना अंकल नहीं कहा कर, तुम मुझे मामू कहा कर। मैं अच्छा मैं आपको मामू कहूँगा। तो खैर बहरहाल उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, एक एजेंसी थी उस टाइम पे बहुत फेमस सिट्रस के नाम से, बहुत जो लोग जाते हैं अभी कमर्शल्स करने के लिए, सिट्रस एक बहुत बड़ी टैलेंट एजेंसी है, उस एजेंसी के अंदर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और जैसे ही मेरा ऑडिशन हुआ, पहले हफ्ते में मुझे फ़ोन कॉल आ गया पासपोर्ट दे दें। मैंने बोला पता नहीं इनको कोई मेरी एंटी स्मगलिंग में नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, कोई वेरिफिकेशन करनी है। मैंने क्यों दे दूँ पासपोर्ट? कह रहे बॉस आपकी सिलेक्शन हो गई है कमर्शियल के अंदर, वारिद का कमर्शियल है। अच्छा एक आपको याद होगा कहता था ग्लो, वारिद ग्लो, दोस्ती के रंग। तो जब वो पहली दफ़ा वारिद ग्लो लॉन्च हो रहा था, तो उसका जो पहला कमर्शियल था उसमें मैं, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने बोला अब हमें पासपोर्ट दे दें, इसकी शूट जो है वो थाईलैंड में। मैं बेहोश हो गया सुन के। मैं क्या, मैं 20 साल का लड़का उस टाइम पे, और ना मेरे पास बैंक अकाउंट, ना मेरे पास कुछ, और एक दिन अचानक कॉल आई है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ ऑडिशन दिए हुए, और उन्होंने फ़ोन करके बोला आपका पासपोर्ट दे दें, आप थाईलैंड जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है कमर्शियल के अंदर। खैर मैंने अपना पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था, मैंने अर्जेंट डबल पैसे दे के 2 दिन के अंदर पासपोर्ट बनवा के हाथ में किया। वो अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ वाला पार्ट था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो थाईलैंड वाला पार्ट था उसमें दूसरे लड़के का सिलेक्शन हुआ था, तो मैं नहीं जा सका। पासपोर्ट मेरा बन गया, कमर्शियल मैंने कर लिया, पूरी एक दिन की शूट थी, उसके इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग गए, कमर्शियल चल गया, सारे क्लास फेलोज मेरे आगे पीछे, भाई जो मेरे साथ बैठते भी नहीं थे, वो क्लास फेलोज जो बैठते नहीं थे कि यार बहुत बोलता है यार, इसको तो हमेशा एक्टिंग ही बातें करती थी, वो अब सारे आगे पीछे आना शुरू हो गए। महीना गुजरा, महीने के बाद जो है वो कोका कोला का कमर्शियल था, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई, उसमें फाइनली मैं थाईलैंड चला गया। वो कोका कमर्शियल थाईलैंड में शूट हुआ था, 20 साल का था मैं उस टाइम पे, मैं थाईलैंड चला गया, वापस आया तो 2 कमर्शियल्स किए हुए थे, दोनों के पैसे लेने थे। अब मैं गया उनके पास सिट्रस के पास, तो बैठा, उन्होंने बोला अकाउंट नंबर बता दें। मैंने बोला बॉस मेरे पास तो सिर्फ NIC नंबर है, अकाउंट नंबर तो फ़ोन नंबर है बस, अकाउंट तो मेरे पास है ही नहीं। उन्होंने बोला यार वो एक्चुअली वो
50,000 से ऊपर जब पेमेंट होती है ना तो वो हम अकाउंट नंबर लेते हैं। मेरी आंखें वहीं घूम गई, मैंने 2,000 रुपये मिले थे भाई 2,000 से डायरेक्ट जंप 50,000 की, ये तो मैंने तो सोचा है। मैंने आप एक काम करें, आप बस मुनीब अहमद भट्ट लिख दें, अकाउंट में खोल लूँगा। उनसे मैं चेक लिया, चेक लेने के बाद मैंने अपने अकाउंट में डाला और उसके बाद से फिर ऐसा हुआ कि काम का सिलसिला चलना शुरू हो गया। जब आप एक कमर्शियल में आ जाते हैं, राज पानी देना जरा, जब आप एक कमर्शियल में आ जाते हैं होता क्या है कि ये लाइफ जो है ना, लाइफ की एक समझें गाड़ी है, एक दफ़ा जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होकर ट्रैक पर आ गई ना, ट्रैक तक गाड़ी स्टार्ट करके लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ट्रैक पे लाना, लेकिन एक दफ़ा जब ट्रैक पे आ गई और आपको अपनी डायरेक्शन नज़र आ गई तो फिर उसमें बीच में स्टॉप नहीं आता, फिर आप चलते रहते हो। खैर बहरहाल, एक दो कोक का कमर्शियल करने के बाद अब उसके बाद मुझे चाहिए था ड्रामा, कुछ अपने लिए करियर के लिए कोई ड्रामा। एक जगह ऑडिशन हो रहे थे, वही अंकल मुझे लेके जाते थे, अंकल मुझे लेके गए मिलवाने के लिए एक डायरेक्टर से, और इत्तेफाकन वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे। मैं गया वहाँ पे ऑडिशन मैंने दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई, और उस ड्रामे में मेरी सिलेक्शन हो गई जो मारिया वासी और एजाज असलम उस टाइम पे 2012 में उन्होंने प्रोड्यूस किया था, ARR डिजिटल पे चला था, बांदी उसका नाम था, बहुत बहुत लोगों ने देखा था। इमरान अशरफ जो भोला है वो मेरे साथ था उसके अंदर, वो नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था, मैं उसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहा था, और मारिया वासी उसके अंदर थी और एक दो और आज जो काम कर रही हैं वो थी, मतलब इमरान अशरफ भोले का और मेरा स्टार्ट तकरीबन एक साथ हुआ था। मुझसे पहले थोड़ा सा वो सीनियर था लेकिन हमारा तकरीबन स्टार्ट एक साथ हुआ था। हमने वो ड्रामा किया, ड्रामे में उसकी मेरी टोटल, मैंने जब उनसे पूछा मुझे कितने पैसे मिलेंगे 40 दिन के, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका होता है कि जब आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर आप थोड़ा सा पूछते हैं तो हो तो कि आप भाई मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे इसमें। 40 डेज थे तो उन्होंने मुझे बोला 25,000 40 डेज के। मैंने कैलकुलेशन की, मैंने बोला यार ये तो वो जो चाय पिलाने वाला होता है ना स्पॉट बॉय, उसका 500 रुपये दिन का है, मेरा 350 रुपये बन रहा है तो वो तो मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से जसारत करके मैंने उनको मैसेज किया, मैम अभी भी याद है मुझे मैसेज, मैंने इज़ इट पॉसिबल दैट यू कैन मेक इट 30। उन्होंने बोला नो उन्होंने वो मेरे 5,000 रुपये नहीं बढ़ाए, 5,000 रुपये भी उन्होंने बोला नो बजट नहीं है। उनको पता था कि यार ये करेगा, मैं इसको 20 बोलूंगी ना ये 20 में भी करेगा, बिकॉज एट दिस राइट पॉइंट ऑफ टाइम ही नीड्स वर्क, ठीक है, ही डज नॉट नीड मनी, ही नीड्स वर्क। खैर मैंने वो किया, करने के बाद इवेंचुअली मेरी ग्रेजुएशन भी तकरीबन ख़त्म हो रही थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो रही थी तो मेरा ये था कि यार मैं कहीं पर जॉब वगैरह करता हूँ, कुछ करता हूँ। 6 महीने के लिए मैंने एक फर्म में जॉब की एडकॉम के अंदर, असिस्टेंट मीडिया प्लानर की मैंने जॉब की वहाँ पे 25,000 रुपये की मेरी सैलरी थी। ये भी मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा ये अच्छा होता क्या है कि हम जब किसी भी काम में होते हैं ना कि 3-4 महीने 5 महीने का गैप आ जाए, वी आर ह्यूमंस, हमारे अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, वो होती है कि विल पावर बहुत लोगों में कम होती है, और जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जो बिल्कुल पैशनेट होते हैं कि यार मैं कर लूँगा, वरना यूजुअली क्या होता है 2-3 महीने में अगर आपके पास इंस्टेंट सक्सेस नहीं आ रही होती ना तो आपका दिमाग आपको कहना शुरू हो जाता है यार कुछ और कर लो, प्लान बी सोच लो, प्लान बी, अगर ये नहीं किया तो क्या करोगे, इसमें कामयाब नहीं हुए तो क्या करोगे, इसमें फेल हो गए तो व्हाट्स नेक्स्ट, अगर ये नहीं हुआ तो। यही चीज़ भाई मेरे अंदर भी थी, मैंने सोचा यार अगर चलो 4 महीने हो गए कोई काम नहीं आया, हमारे काम का ये सीन था कि हम लोग एक हवाई रोज़ी हमें कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको, हो सकता है कि आपके पास 6 महीने में एक दिन भी खाली ना हो, सकता है 6 महीने में आपको एक ही दिन खाली हो,